कश्मीर के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा से लगे इलाके में घिरे हुए उग्रवादियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई आज 14वें दिन भी जारी है और दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी चल रही है। वहीं पाकिस्तान के उच्चायुक्त सलमान बशीर ने घुसपैठ में पाकिस्तानी सेना के जुड़े होने की रिपोर्टों को आधारहीन बताकर खारिज किया है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि ऑपरेशन अब भी जारी है, दोनों तरफ से किसी के हताहत होने की कोई ताजा खबर नहीं है। घिरे हुए उग्रवादियों के समूह और सेना के बीच रुक रुक कर गोलीबारी जारी है और सुरक्षा बल नाकेबंदी करके इलाके पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं और अभी तक 7 उग्रवादी मारे जा चुके हैं। 3 उग्रवादी शुक्रवार को गुजरदूर गांव में मारे गए जबकि 4 अन्य को कल सेक्टर के फतेह गली इलाके में मार गिराया गया। सेना ने इन रिपोर्टों को बेतुकी बताया है कि घुसपैठियों ने कुछ चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं श्रीनगर में मौजूद हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी से। जी इरफान, 14 दिन बीत चुके हैं और अभी भी क्या गोलीबारी जारी है दोनों ओर से? बिल्कुल इंदर, मैं आपको बता दूं पिछले 14 दिन से जो ऑपरेशन केरन सेक्टर में चल रहा है, सबसे पहले जो ऑपरेशन है बिल्कुल शॉलपोटा इलाके से शुरू हुआ था, उसके बाद गुजरदर में जहां पर 2 मिलिटेंट एक दिन पहले मारे गए और कल 4 मिलिटेंट मारे गए फतेह गली में, तो करीबन पिछले 3 दिन में 7 मिलिटेंट मारे गए। हालांकि शॉलपोटा का इलाका जो है, जहां पर फौज का पहले ये मानना था कि 15 मिलिटेंट वहां पर मारे गए थे और करीबन 30 से 40 मिलिटेंट जो है इस बार इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, हालांकि फिलहाल उस इलाके में कॉटन फौज का जारी है और कहीं ना कहीं ऑपरेशन के लिए जो स्पेशल ट्रूपर्स भी वहां पर भेजे गए थे जो पूरा ऑपरेशन वहां पर देख रहे हैं बाकी यूनिट्स के साथ। फिलहाल केरन सेक्टर में अभी कुछ देर पहले जीओसी पिथिन कॉर्प्स में एक डिस्प्ले किया गया जिसमें पूरे ऑपरेशन में अलग अलग जगहों से जितना एमुनेशन रिकवर किया गया वो मीडिया को यहां पर दिखाया गया, जिसमें बहुत बड़ी तैदाद में जो है आर्म्स एमुनेशन, चाहे AK-47 की बात करें, पिस्टल्स की बात करें, बाकी जो एमुनेशन असला है उसकी बात करें तो बहुत बड़ी तैदाद में वो यहाँ पर दिखाया गया जो पूरे ऑपरेशन में मिलिटेंट्स के पास से जो बरामद किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ऑपरेशन है पिछले 14 दिन से चलो, हालांकि अभी भी वो वहां पर ऑपरेशन सेना के द्वारा जो लगातार जारी है और फिलहाल जो है ये ऑपरेशन कितना लंबा और चल सकता है क्योंकि बड़ी संख्या में जो है आर्मी के मुताबिक जो मिलिटेंट्स वहां पर मौजूद है और करीबन आज 14वां दिन है और ऑपरेशन फिलहाल लगातार जारी है। जी इरफान, अभी तक कितने उग्रवादी हैं जो मारे जा चुके हैं और सेना के मुताबिक कितने उग्रवादी हैं जो कि छुपे हुए हैं इस पूरे इलाके में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये जो पूरा केरन सेक्टर का इलाका है अलग अलग जगहों से इन्फिल्ट्रेशन हुई थी और सबसे बड़ी इन्फिल्ट्रेशन जो है शॉलपोटा के इलाके में बताई जाती थी जहां पर 30 से 40 मिलिटेंट जो है घुसपैठ कर चुके थे और उन्हें कॉर्डन में लिया गया। हालांकि सेना का ये मानना था कि 15 मिलिटेंट जो है उस शॉलपोटा के इलाके में कॉर्डन करके मारे गए थे, हालांकि उनकी जो डेड बॉडीज है वो रिकवर नहीं कर पाए, लेकिन पूरे ऑपरेशन में चाहे आप शॉलपोटा की बात करें, गुजरदर की बात करें और जहां पर फतेह गली में 4 मिलिटेंट मारे गए वहां की बात करें तो कुल मिलाकर जितना एमुनेशन वहां से असला बरामद हुआ वो आज दिखाया गया और बड़ी तादाद में ये ऑपरेशन के लिए कितनी बड़ी तैयारी थी और जो पूरा गॉर्डन इलाका है जहां पे मिलिटेंट्स को मार दिया गया वहां से फिलहाल जो एमुनेशन रिकवर हुआ है बड़ी संख्या में वो फिलहाल दिखाया गया। तो कुल मिलाकर इस सब से ये लगता है कि जो मिलिटेंट इस बार घुसपैठ कर चुके हैं वो बड़ी तैयारी करके आए थे और कहीं इस तरह का एमुनेशन दिखाया जा रहा है, तरह तरह की जो AK-47 के साथ जो पिस्टल्स अलग अलग किस्म की है वो यहाँ पर दिखाई गई। फिलहाल वहां पर ऑपरेशन जारी है और करीबन 5 सेना के जवान अब तक जो है इसमें जख्मी हुए थे और एक जो बाद में जिसको एक कैजुअल्टी हुई थी उसकी मौत भी बताई जाती थी। हालांकि पूरा ऑपरेशन अभी लगातार जारी है और क्या स्थिति रहेगी और कितने दिन तक ये ऑपरेशन चलेगा वहां पर, क्योंकि बहुत घना इलाका है, जंगल का इलाका है, खासतौर पर वहां पर जो है अनआर्मड व्हीकल्स का भी इस्तेमाल किया गया, तो फौज फिलहाल वहां पर जो है कॉर्डन बनाए और कहीं ना कहीं कोशिश ये रहेगी कि जितना जल्द ये ऑपरेशन है वो फिलहाल खत्म किया जाए। जी इरफान, आज 14वां दिन है, गोलीबारी जारी है फौज की ओर से भी, तो इतना समय क्यों लग रहा है सेना को आखिर इस ऑपरेशन को खत्म करने के लिए? हालांकि उन्होंने बहुत सारी मात्रा में हथियार भी बरामद कर लिए हैं, क्या उनकी गिनती बहुत ज्यादा है या फिर वो बड़ी तैयारी के साथ आए थे?
देखिए बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो ये पूरा पूरा केरन सेक्टर का इलाका है वहां पर बिल्कुल जो एक पहाड़ी इलाका है, जंगल है, और खासतौर पर वहां पर जो कार्रवाई करने में सेना को जो दिक्कतें आ रही है वो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जंगल का इलाका है, घना इलाका है, वहां पर बड़े पत्थर देखने को मिलते हैं जिस वजह से जो है मिलिटेंट्स छुपने में कामयाब हो रहे हैं और कहीं ना कहीं फैले हुए हैं, क्योंकि उनके जो आंकड़े हैं 30 से 40 बताया जाता है, और अलग अलग दो तीन जगहों से जहां से घुसपैठ हुई थी, जहां पर अब तक 7 मिलिटेंट्स को मारा गया था, वहां पर भी बिल्कुल ये मिलिटेंट्स अलग अलग जगहों से फायरिंग कर रहे थे, और कहीं ना कहीं ये भी अंदेशा लगाया जा रहा था कि ये जो मिलिटेंट्स है या जो इन्फिल्ट्रेटर्स है ये बिल्कुल स्पेशली ट्रेनेड है और कहीं ना कहीं बॉर्डर एक्शन ट्रूपर्स जो पाकिस्तान का है उनका बैकअप भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल अब तक सेना जो है इतना आर्म्स एम्युनिशन रिकवर करने में सफल हो चुकी है। हालांकि अभी जितने भी मिलिटेंट वहां पर बताए जाते हैं मारे गए हैं पिछले 15 दिन से, फिलहाल उनकी बॉडीज सेना जो है रिकवर नहीं कर पाई, हालांकि एम्युनिशन यहां पर दिखाया गया, और सबसे अहम बात यह है कि जो ऑपरेशन है उसे वहां पर जल्द से जल्द खत्म करने में यही दिक्कत आ रही, क्योंकि वो बिल्कुल केरन सेक्टर का जो इलाका है जंगल का इलाका है, और कहीं ना कहीं जो है सेना वहां पर कैजुअलिटीज नहीं देना चाहती। जी इरफान, आपका इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। तो कश्मीर के केरन सेक्टर में अभी भी गोलीबारी जारी है, अभी भी कई उग्रवादी वहां पर छुपे हुए हैं, हालांकि सेना को एक बड़ी सफलता मिली है, बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन उग्रवादी जंगली इलाका होने के कारण वहां पर छुपे हुए हैं, जिन पर नियंत्रण पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।